नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और वक्त हो गया है देश दिनभर का, जिसमें हम आपको दिनभर की 10 बड़ी खबरें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो पूरे दिसंबर लागू रहेंगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 3 अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकट ग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक को DBIL में विलय के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। इसके साथ ही ATC में FDI को भी मंजूरी मिल गई। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी गई। बिहार विधानसभा स्पीकर के चुनाव में NDA के विजय सिन्हा ने जीत दर्ज की है। महागठबंधन की ओर से उतरे RJD विधायक अवध बिहारी चौधरी हार गए। वहीं तेजस्वी यादव विपक्ष को एकजुट करने में सफल रहे। OBC की पार्टी विधायकों से लेकर बसपा के इकलौते विधायक तक ने महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। चक्रवाती तूफान निवार का कहर देखा जा रहा है। कई जगह पेड़ उखड़ गए तो कई जगहों पर सड़कों पर जल जमाव हो गया। तूफान के मद्देनजर 37,000 लोगों को निकाला गया है। NDRF की 25 टीमें और पोत भी तैनात किया गया। निवार तूफान की वजह से कई और इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका को लेकर हाई अलर्ट जारी है। पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कई नए प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इसमें 1 दिसंबर से सभी कस्बों और शहरों में रात का कर्फ्यू लगाना शामिल है। साथ ही मास्क ना पहनने या सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने के लिए अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना काल के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगले 6 महीनों के लिए एस्मा एक्ट लागू किया गया, यानी अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को यह आदेश जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में पिछली फरवरी में हुए दंगे को पुलिस ने आतंकी घटना बताया। पुलिस के मुताबिक JNU के छात्र उमर खालिद, विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर शर्जिल इमाम और फैजान खान के खिलाफ चार्जशीट में बड़े आरोप लगाए गए हैं। इनके खिलाफ दंगे भड़काने की साजिश समेत कई आरोप लगाए गए। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 44,376 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना से 481 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना केसों की संख्या बढ़कर 92,22,217 हो गई और कोरोना से अब तक 1,34,699 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक यहां पिछले 5 दिनों से लगातार 100 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से मौत हो रही है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 6,224 नए मामले सामने आए, जबकि 109 लोगों की जान चली गई। 93वें अकादमी अवार्ड में मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री बन गई। निर्देशक लिजो जोस पेलिसेरी की ये फिल्म एक ड्रामा थ्रिलर है। ऑस्कर की आधिकारिक एंट्री बनने की रेस में इस फिल्म के साथ और भी कई फिल्में शामिल थीं।